Bhagavad Gita. I think it's worth reading. You must read it. All those who have not read, to read, you know what is the depth and spiritual knowledge is there. Sri Krishna has spoken about everything, right from the effects of three kinds of gunas to food and everything is there. And yoga, meditation, pranayama, all that is said in that. Bhakti, love, devotion, sab kuch. तो गीता एक बार सबको पढ़ना चाहिए. अच्छा, एक संकल्प सब लोग ले लो. आप अपने दोस्तों को, मित्रों को पूछो कितने ने गीता नहीं पढ़ी, और उनको बोलो कि उनसे प्रॉमिस लो तुम भी पढ़ो. ठीक है, आध्यात्म ग्रंथ है गीता, उसको पढ़ना चाहिए एक बार. जितना समझ में आता है उतना ही पढ़ो. द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हैज आल्सो रिटन ए कमेंट्री ऑन भगवद गीता. वो तो यूज्ड टू एवरी डे रीड द सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता. हु? महात्मा गांधी. नी सत्संग विल नेवर फिनिश विदाउट द सेकंड चैप्टर. दूसरे चैप्टर को रोज महात्मा गांधी पढ़ा करते थे, रोज पढ़वाया करते थे लोगों से. तो हम हमारे देश में देखो, हम सब भूल गए, कोई पढ़ता ही नहीं. पढ़ना चाहिए भगवद गीता. पढ़ो तो पता चलेगा स्थित प्रज्ञ कौन होता है, कौन है ज्ञानी, कौन है ज्ञानी, और हमें ज्ञानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब उसमें. इसलिए बहुत जरूरी है. ठीक है, ठीक है. तो आज से शुरू करना. सिंपल हिंदी ट्रांसलेशन होगा, अंग्रेजी होगा, पढ़ो. ठीक है, आप बैठे रहे, बैठे रहिए. जो आपका फूल वूल देना है इनको, ले लो, इनसे लेना है. आगे आगे ले लो. ठीक है, तो आज एक ठोस काम हो गया. क्या? हाँ, भगवद गीता पढ़ने की बात हो. करीब 1000 कमेंट्रीज है भगवद गीता पर. मैंने तो कोई एक भी नहीं पढ़ा है. पर ओरिजिनल तो जानते, ओरिजिनल पढ़ो क्या आप. पर कब आपको ओरिजिनल चाहिए वैसे कमेंट्री पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, मगर ओरिजिनल सिंपल है, बहुत छोटा छोटा सा है. अर्थ है, 700 श्लोक है, बहुत शानदार. सबको पढ़ना जरूरी है. आप और उनको भी बोलो, सब लोग पढ़ो. ठीक है, हाँ.